सेवेंथ क्लास लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर किया था द द कोड एंड इट्स थीफ, है ना। उसकी हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में अपना ग्रामर जोन करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक क्या है, नाउंस। क्या है हमारा टॉपिक? नाउंस। नाउन मेरे ख्याल सबको क्लियर है कि नाउन होता क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन हो, पीपल हो, या कोई चीज़ हो, थिंग, या किसी प्लेस का नेम हो, ये सब क्या होता है? ये सब नाउन होता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि वो, ये तो छोटी सी बहुत बेसिक लेवल का होता है नाउन। आप लोग सेवन्थ क्लास में थोड़ा सा थोड़ा ऊपर, थोड़ा एडवांस लेवल का नाउन हम लोग अब समझेंगे। हालांकि नाउन जो है वही रहता है, सेम वही है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और मिल जाएगी। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स। जो भी सेंटेंस होता है वो किस चीज़ से मिलता है? वर्ड से मिलकर बनाया जाता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। यानी कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं? उनको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, पहले वर्ड कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, सबसे एंड में कौन सा जाएगा, है ना। तो हम उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या आएगा। दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्लासेस मतलब जो हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं ना, क्लास मीन्स एग्जाम्पल के मैं बोल देती हूँ, दिस इज ए चेयर। मैंने एग्जाम्पल लिए क्या लिया है, दिस इज ए चेयर। क्या लिया है मैंने? दिस इज अ चेयर। तो पहला ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, अलग अलग। अब मैंने इसको यहाँ क्यों नहीं किया और दिस को यहाँ पर क्यों नहीं किया? चेयर को मैं दिस की जगह क्यों नहीं ले गई, ए को मैं इसकी जगह क्यों नहीं ले गई, पता है आपको? क्योंकि मैंने इनको इनकी क्लास के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले क्या चीज़ आती है, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, दूसरी बारी पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तीसरी बारी पे हमारे क्या आते हैं, आर्टिकल आया है यहाँ पे, और फिर चौथी बारी पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अलग अलग क्लासेस हैं ये, है ना, अलग अलग हमने इनको डिवाइड कर रखा है। तो जो ये डिवाइडेशन है ना, जिनको हमने डिवाइडेशन किया अलग अलग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कोई स्पीच, एक हमने लाइन बोली थी, वो एक स्पीच थी हमारी, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। तो वो क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस में जो हम इतने सारे वर्ड यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने, कितनी है वो एट है। सबसे पहले नंबर पे आता है नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और लास्ट क्या है हमारा, सॉरी सेवन्थ, सातवां क्या है, कंजक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। ये हमारे एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना, इतना तो आप सभी को पता है। जिसमें हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हम नाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नाउन्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम नाउन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा नाउन्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। तो हम जरा एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। क्या देखा है, अमजद इज टॉल। अमजद कैसा है? लंबा है। अमजद इज नेम ऑफ अ पर्सन। अमजद किसका नेम है? पर्सन का नेम है। द कैट इज स्लीपिंग। कैट सो रही है। इसमें कैट क्या है? कैट इज अ नेम ऑफ एन एनिमल। कैट क्या है? एक एनिमल का नेम है। नेहा इज गोइंग टू स्कूल। नेहा स्कूल जा रही है। अब स्कूल क्या है? स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस। स्कूल क्या है? एक प्लेस का नेम है। वैसे इसमें अगर आपको पता हो तो एक और नाउन दे रखी है। क्या आपको पता है कौन सी नाउन है वो? यस, नेहा। नेहा किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है, है ना, पर्सन का नेम है नेहा। और हम पर, लेकिन हम इसे बात किसकी कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं, इस वाले स्कूल। ये क्या है? एक प्लेस का नेम है। दिस पेन इज ब्यूटिफुल। ये है पेन, बहुत सुंदर है। पेन इज द नेम ऑफ अ थिंग। पेन किस चीज का नेम है? थिंग्स का नेम है, है ना। इस सारे हमने नेम निकाले और हमें पता है कि नाउन क्या होती है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि वो वर्ड होते हैं, नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो, जो बताइए क्या, जो किसी का नेम बताते हैं,
चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, इस दुनिया में जितनी चीज़ें इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना हो, या कोई प्लेस ही क्यों ना हो, इन सब के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नीचे यहाँ पे कोई एक लाइन दे रखी है, अमजद जो यहाँ पे भी है, कैट, स्कूल और पेन आर नेमिंग वर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया ये सब क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स के नेम हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, है ना। ये सब वर्ड क्या है? किसी ना किसी चीज़ का नेम है। तो ये क्या हुए? ये नेमिंग वर्ड्स हुए, और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड क्या कहलाए जाते हैं? नाउन्स कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पे नाउन की दो डेफिनेशन दे रखी हैं, मैं दो तरीके से हम नाउन को बोल सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और बर्ड, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन क्या है? पर्सन का नेम हो सकता है, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग, इन सब के नेम को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में देखें या फिर दूसरे तरीके से देखें तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है ना। अब हमारी नाउन के ऊपर एक एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं 10, इन 10 सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है किस पे? नाउन पे। ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन हो, एक सेंटेंस में दो या तीन नाउन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग को देखना है, अगर एक सेंटेंस में दो नाउन है तो आपको उन दोनों पे अंडरलाइन करना है। बहुत ईजी है, नाउन तो आप सभी को क्लियर है। ये चैप्टर हमारा सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ताकि हमें थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी सी पता चले, थोड़ी और नॉलेज हम लोग ले सकें। नाउन सभी को क्लियर है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, थोड़ा एडवांस के लिए हमने ये चैप्टर रखा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रॉस द वर्ड विच इज़ नॉट अ नाउन। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड दे रखे हैं ना, कुछ बहुत सारे हैं, ये पूरे 30 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? ये 30 वर्ड्स हैं। इन 30 वर्ड्स में आप सभी को क्रॉस करना है जो नाउन नहीं है, जैसे कि पेन एक नाउन है, पेंसिल भी नाउन है, बुक भी नाउन है, बैग, राइट। राइट मतलब क्या है? लिखना। राइट मींस क्या है? लिखना। तो बताइए राइट क्या एक नाउन है? नहीं, राइट एक नाउन नहीं है। तो राइट पर क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। दूसरी लाइन में अगर हम देखेंगे, इस वाली लाइन में क्लाइम यानी चढ़ना, पार्क एक जगह, ट्री एक चीज़ है, ऑरेंज एक फ्रूट है और मंकी एक एनिमल है। इसमें क्या चीज़ नाउन नहीं है? क्लाइम जो है वो एक नाउन नहीं है। क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़ना कोई नाउन थोड़ी है, चढ़ना तो एक काम है, एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो हमें ये नहीं करना है। ये क्या है? एक नाउन नहीं है। इस पर भी क्रॉस करेंगे। सेम इसी तरीके से आप लोग ये वाली अपनी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में, सॉरी बुक में कम्प्लीट करेंगे। ये वाली भी आपको बुक में कम्प्लीट करनी है। उसके बाद पुट इन द मिसिंग लेटर्स। आपको 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं, और जो ये ब्लैंक दे रखा है ना, ये स्पेस दे रखा है ब्लैंक, इसमें आप कह रहे हैं स्टार्टिंग का वर्ड इसमें दे रखा है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, गिव मी, W से एक वर्ड स्टार्ट होगा जो इस यहाँ पर आएगा, टू ड्रिंक, तो ड्रिंक मतलब पीना, और W से क्या आता है पीने वाली चीज़ों में? वाटर। तो आप क्या लिखना है यहाँ पे? वाटर, W तो लिखा हुआ है ATER, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, वी गॉट वूल फ्रॉम द, वूल मतलब ऊन, हम ऊल कहाँ, जो ऊन होती है हमारी, जो हम सर्दियों में जैसे स्वेटर बुनते हैं, वो ऊन हमें कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है? SH से उसका नाम स्टार्ट होता है, वो एक एनिमल है, बताइए कौन सा एनिमल से हमें ऊन मिलती है? सभी को पता है शिप है ना, सॉरी शीप, तो SHEEP, शीप। सेम इस तरीके से आप जो ब्लैंक दे रखे हैं, ये इन ब्लैंक्स में आप लोगों को चेक करना है कि क्या आ सकता है। और पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तो जिस चीज़ के बारे में बात चल रही है उस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, और स्टार्टिंग का लेटर भी इसमें दे रखा है उस ब्लैंक में कि वो किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बहुत इजीली इसको फिल कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, से अ फ्यू सेंटेंस ऑन व्हाई इट इज़ बैड टू स्टील अदर्स थिंग। स्टील मीन्स चोरी करना, तो आपको सिर्फ टाइम टू स्पीक बोलने का टाइम है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलना है किस चीज़ के ऊपर, कि किसी की मतलब चीज़ों की चोरी करना गलत क्यों है, इस चीज़ के ऊपर आपको 5 to 7 लाइन्स आपको बोलनी है। लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चा वॉइस ओवर करके सेंड कर सकता है तो वो लोग वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी सेंड कर सकते हैं, और जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकते हैं। जितना ज़्यादा बोलोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, बाकी आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा ये राइटिंग वॉल, लिखने का काम क्या है हमारा? देर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ हॉर्सेस इन द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह तरह के हॉर्सेस हैं, यानी कि घोड़े हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास हॉर्स की. फाइंड आउट द बेस्ट ब्रीड अमंग देम, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट इट. आपको क्या करना है, इतने सारे घोड़ों में से जो सबसे अच्छा वाला घोड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स, तो फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते ना, होते तो फ़ोन एक जैसे ही हैं, है ना, फ़ोन तो सबके पास एक जैसे होते हैं, कुछ सब में कॉल होती है, सब में नेट चलता है, सब में बहुत कुछ चलता है, लेकिन सबसे अच्छा फ़ोन के अंदर फीचर्स कितने होते हैं. ऐसी जो सबसे अच्छा घोड़ा है आपको उसके बारे में सर्च करना है, फ़ोन पे बहुत इजीली आप लोग सर्च कर सकते हैं, और उनके बारे में आपको फ्यू सेंटेंसेस लिखने हैं यहाँ पे, यानी कि कुछ सेंटेंस नहीं, आप फोर लाइन्स हैं तो आप फोर लिख दीजिए, फाइव लिखने हैं तो फाइव लिख दीजिए, जितने आपकी मर्ज़ी आप उतने लिख दीजिए. ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल. ओके.